स्वागत है आप सभी का हम कौन ऑफिशियल चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि AIMIM से जुड़ी हर लेटेस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता और चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन में इलाज करा रहे हैं, जहां से उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत में सुधार है और वो जल्द ही वापस हैदराबाद लौटने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत में सुधार है, जिसके चलते वो 19 या 20 जून को उनके वापस हैदराबाद लौटने की उम्मीद लगाई जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी उमरा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, वहां से सीधा लंदन इलाज के लिए चले गए थे। हैदराबाद के सांसद और अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई बैलेस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के लोगों से अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की थी। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं और हैदराबाद के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआएं मांगी थी। अकबरुद्दीन ओवैसी पर उनकी विधानसभा क्षेत्र चंद्रयान गुट्टा के बारकस में 2011 में हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके घाव और तकलीफ आज तक नहीं ठीक हो पाए। इसी इलाज के लिए वो कई बार अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन जा चुके हैं। आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान का विधायक, जिसके डर से आंध्र प्रदेश का होम मिनिस्टर भी हैदराबाद आने से डरता था, हिंदुस्तान का वो अकेला सियासी लीडर है जिसने बेबुनियाद मुस्लिम बच्चों को आतंकवाद के केस में उठाए जाने पर राज्य के मुख्यमंत्री को भरे सभा में माफी मांगने पर मजबूर किया था और 2-2 लाख उन बच्चों को मुआवजा के तौर पर दिलवाए थे। ऐसे हजारों काम है और काम करने वाले अकेले हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। 30 अप्रैल 2011 को अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद से अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत खराब रहती है। ये कोई पहली बार नहीं है जो अकबरुद्दीन ओवैसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ लोग उनके मरने की दुआएं करते रहते हैं। जब जब अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत खराब हुई है, तब तब उनकी बीमारी का मजाक बनाया जाता है। उनके बीमार होने पर खुशियां मनाई जाती है। वही लोग हैं जो राजीव गांधी की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, वाजपेयी के लिए कुरान खानी करते हैं, दीपक शर्मा के लिए दुआएं करते हैं, संधि तेजदार बहादुर को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन ये शायद नहीं जानते हैं कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। 2011 में इतनी खराब हालत होने के बावजूद अल्लाह पाक ने अकबरुद्दीन ओवैसी को जिंदगी बख्शी। तुम किसी मुसलमान के मरने की दुआ कर रहे हो, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में ही जलील करेगा। खुशी की खबर यही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद 19 या 20 जून तक वापस आ रहे हैं। अल्लाह ने तमाम मुसलमानों की दुआओं को सुना और कबूल किया। एक बार फिर हमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वापस दे दिया। आप सभी को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। बने रहें इसी तरह हमारे हम कौन ऑफिशियल चैनल से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।